दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आज सोने और चांदी के भाव, यानी 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के सोने का भाव बताएंगे और दोस्तों चांदी का भाव क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज का। तो दोस्तों कितनी गिरावट आई है सोने में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज 10 ग्राम सोने का भाव 50,000 रुपए के नीचे आ गया है। सर्राफा बाजारों में आज सोना और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सोने का भाव 199 रुपए लुढ़ककर 49,940 रुपए पर खुला, वहीं चांदी 1538 रुपए गिरकर 65,576 रुपए पर खुली। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज देश भर में सर्राफा बाजारों में सोने के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 49,940 रुपए आज है और 50,139 रुपए कल था, इसमें 199 रुपए की गिरावट आई है। दोस्तों 23 कैरेट सोना 49,740 रुपए आज है, 49,938 रुपए कल था, इसमें 198 रुपए की गिरावट आई है। और दोस्तों 22 कैरेट 45,745 रुपए आज है और 45,927 रुपए कल था, इसमें 192 रुपए की गिरावट आई है। दोस्तों 18 कैरेट सोना 37,455 रुपए आज है और 37,644 रुपए कल था, इसमें 149 रुपए की गिरावट आई है। दोस्तों 14 कैरेट सोना 29,215 रुपए आज है और 29,331 रुपए कल था, इसमें 116 रुपए की गिरावट आई है। और दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी आज है 65,576 रुपए और कल थी 67,114 रुपए, इसमें 1538 रुपए की गिरावट आई है। जी हां दोस्तों सोने यानी चांदी में 1538 रुपए की गिरावट आई है एक किलो चांदी में। आपको बता दें कि BIJA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य, हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं होती है। सोना खरीदते बेचते समय आप इस वेबसाइट का हवाला दे सकते हैं। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक IBJA देश भर के 14 सेक्टरों में सोने और चांदी का करेक्ट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने और चांदी का करेक्ट रेट या यूं कहें तो हाजिर भाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, इसकी इनकी कीमत में थोड़ा ही अंतर रहता है। तो दोस्तों ये आज के सोने और चांदी के भाव हैं, यानी 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के। तो दोस्तों अभी सोना सस्ता हो रहा है और 2021 में और सस्ता होने की संभावना है, यानी सोना 10,000 रुपये सस्ता हो सकता है और चांदी 12,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो नए साल में ही खरीदें सोना और चांदी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।